गुड मॉर्निंग बच्चों, 12th क्लास। स्वास्थ्य रक्षा में आपका दूसरा चैप्टर रोगों का उद्गम फैलने के लिए चिन्ह लक्षण निरोध और उपचार। इस लेसन में आपने वायु द्वारा फैलने वाले रोग, जल द्वारा फैलने वाले रोग के बारे में पढ़ा। अगला है जंतुओं द्वारा फैलने वाले रोग। जीव जंतुओं के काटने पर कुछ रोग फैलते हैं, तो जंतुओं द्वारा फैलने वाले रोग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मलेरिया रोग। मलेरिया रोग से सभी लोग परिचित हैं, या मच्छर के काटने से होता है। और पहले तो मलेरिया रोग इतना अधिक संघातक होता था कि बहुत से लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती थी, महामारी का रूप ले लेता था। लेकिन अब विश्व के कई देशों में और WHO की सहायता से इस पर काफ़ी नियंत्रण पा लिया गया है। अब ये ठीक हो जाता है, बहुत कम ही लोग इस रोग से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, नहीं तो नहीं भी होते हैं। समझ लीजिए, अब इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा चुका है। होता तो है ये, लेकिन अब लोग इसमें मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। दवाइयाँ अच्छी अच्छी आ गई हैं, वैक्सीन आ गए हैं, जिससे कि इस रोग पर काफ़ी नियंत्रण पाया जा चुका है। इसे जूड़ी बुखार भी कहते हैं। जूड़ी बुखार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ठंडक बहुत लगती है। बुखार जब चढ़ता है तो ठंडक से चढ़ता है और ठंडक बहुत तेज लगती है, रोगी कांपता है एकदम, दांत किटकिटाने लगता है, इसलिए इसे जूड़ी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये मच्छर के काटने से होता है और मच्छर का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अंडा, लार्वा, प्यूपा और फिर मच्छर। ये गंदे पानी में या जहाँ पानी भरा हुआ है काफ़ी दिनों से, ऐसे पानी में अंडे देते हैं मच्छर, और फिर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और मलेरिया रोग बरसात के दिनों में इसलिए अधिक फैलता है। फैलने का क्या कारण है? ये प्लाज्मोडियम नामक परासरी जीवाणु फैलता तो है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, लेकिन इस रोग के जो जीवाणु का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जीवाणु जो है ये पराश्रयी जीवाणु है, यानी दूसरे के शरीर में आश्रय पाकर पनपता है मच्छर के शरीर में। ये मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के शरीर में ये उपयुक्त वातावरण पाता है और पनपता है। और यही मच्छर जब किसी रोगी व्यक्ति को, मादा एनाफिलीज मच्छर जब किसी रोगी व्यक्ति को काटती है तो अपने रक्त के साथ जीवाणुओं को चूस लेती है। और जब वही मच्छर जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटा तो उसके रक्त में उस जीवाणु को छोड़ दिया, और यह जीवाणु व्यक्ति के यकृत में जाकर लाल रक्त कणों में 8-10 दिन तक जीवित रहते हैं। फिर लाल रक्त कणों में जीवित रहते हैं और विभाजित होते हुए अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, और फिर लाल रक्त कणों को फोड़ करके ये बाहर निकलते हैं, तो शरीर में एक टॉक्सिन छोड़ते हैं जिससे कि बुखार होता है और मलेरिया का लक्षण प्रकट होता है। रक्त में जब इसके जीवाणु पुनः उपस्थित होते हैं, छोड़ देते हैं, तो यह फैलता है किससे? मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से। और यह जीवाणु जो है प्लाज्मोडियम नामक परासरी जीवाणु, इसका जीवाणु है मलेरिया रोग का, लेकिन फैलाने का माध्यम है मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया के प्रकार। उपयुक्त वातावरण में ये इसके जीवाणु जो हैं 24 से 48 और 72 घंटे तक, लगभग 72 घंटे तक भी जीवित रहते हैं। तो इसके आधार पर इसका कई अलग अलग प्रकार भी निर्धारित किया गया है। जैसे पहला है अंतरा या तृतीय या तिजारी जर, या एक एक दिन के गैप में तीसरे दिन, हर तीसरे दिन, जैसे आज हुआ कल छोड़ करके फिर परसों बुखार चलेगा, ठीक हो जाएगा रोगी लेकिन फिर परसों बुखार आएगा। और दूसरा है चौथिया ज्वर, ये चौथे दिन चढ़ता है। तीसरा संघातक तिजारी ज्वर, ये
ये तीसरे दिन तो चढ़ता है लेकिन बहुत संघातक होता है। इसमें व्यक्ति जो है अंडबंड बकने लगता है, बहुत अजीब सी स्थिति हो जाती है, उल्टियां होने लगती हैं। संघातक तिजारी इसको कहते हैं। चौथा है एटीओ आठ मनल जल, इसमें उल्टी होती है, दस्त होने लगता है और रोगी बकझक करने लगता है, मतलब उल्टी सीधी बातें, बुखार इतनी ज्यादा तेज हो जाता है, सर पे चढ़ जाता है, उसकी वजह से रोगी अंडबंड बातें बकने लगता है, अपने होश में नहीं रह पाता है। पांचवा है काला पानी ज्वर। इसमें क्या होता है, काला पानी ज्वर में इसमें मूत्र में रक्त का हीमोग्लोबिन आने लगता है और जब हीमोग्लोबिन मूत्र में आता है तो मूत्र का रंग कुछ काला काला सा दिखाई देने लगता है, इसीलिए इसको काला पानी ज्वर कहते हैं। मलेरिया रोग का लक्षण क्या है, इसमें बार बार बुखार चढ़ता है, उतरता है, सर्दी लगने से रोगी कांपने लगता है, सिर दर्द होता है, उल्टियां होती हैं और व्यक्ति अंडबंड बकने लगता है, जैसे अपने होश में नहीं रह पाता है, जी मिचलाता है और उल्टियां जो है पित्त की उल्टी होती है, पित्त अधिक बढ़ जाता है, पित्त की उल्टी होने लगती है और दो तीन घंटे जब बुखार चढ़ा रहता है तब ऐसा रहता है, लेकिन जब उतरने लगता है तो बहुत ज्यादा पसीना होता है, पसीने की वजह से भी रोगी को घबराहट सी होती है, बेचैनी होती है। और छोटे बच्चों को अगर ये रोग होता है तो उनका प्लीहा बढ़ जाता है, प्लीहा या तिल्ली जिसको कहते हैं स्प्लीन, वो बढ़ जाती है, जिससे पेट में हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है। इसके उपचार के लिए क्या करेंगे, क्लोरोक्वीन केमोक्वीन औषधियां आती हैं, इसे दे सकते हैं, लेकिन तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर के कहने के अनुसार जैसा कि चिकित्सक कहता है उसके अनुसार ही उपचार करना चाहिए और रोगी को पूरी तरह से विश्राम करने देना चाहिए, क्योंकि जब बुखार उतरता है, कमजोरी तो बहुत रहती है, बुखार उतरता है तो व्यक्ति कुछ अच्छा महसूस करने लगता है, उठ करके घूमने टहलने लगेगा थोड़ा अपना मन बहलाने के लिए, इसलिए फिर बुखार चढ़ता है, तो रोगी को पूरी तरह से विश्राम देना चाहिए, हल्का और सुपाच्य भोजन देना चाहिए जो आसानी से पच सके, रोग की अवस्था में वैसे भी हल्का और सुपाच्य भोजन दिया जाता है, तो रोगी को हल्का और सुपाच्य भोजन देना चाहिए, विश्राम कराना चाहिए और क्लोरोक्वीन केमोक्वीन नामक औषधियाँ दे सकते हैं। इसलिए बचाव के उपाय, यह रोग ना हो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो है मच्छर से बचना चाहिए, अगर कहीं आसपास अगर मच्छर से बचेंगे, मच्छर ही रोग को फैलाने में सहायक हैं, तो अगर मच्छर से बचेंगे तो यह रोग नहीं फैलेगा, तो मच्छर से बचने के लिए आपके कूलर के पानी में मच्छर पनपते हैं, कूलर का पानी साफ कर देना चाहिए, अगल बगल कहीं गड्ढे में पानी भरा हो तो गड्ढे में मिट्टी डलवा दे या फिर वो मिट्टी का तेल डलवा देने से भी मच्छर नष्ट होते हैं, और रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, ओडोमॉस आता है उसको लगा करके, नीम की पत्तियां सुलगाने से भी मच्छर दूर होते हैं। सबसे उत्तम उपाय है मच्छरदानी, घर के दरवाजे खिड़कियों में जाली लगवानी चाहिए जिससे कि मच्छर अंदर ना आ सके, साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए, सीलन नहीं होना चाहिए, घर में कहीं भी सीलन और गंदगी होगी तो उस स्थान पर मच्छर अंडे देते हैं, इसलिए ऐसे स्थानों की साफ सफाई करते रहना चाहिए, पानी का भराव जहाँ हो उसको निकाल देना चाहिए, साफ करना चाहिए, पानी अधिक समय तक टंकियों में बाल्टी में कहीं भी पानी भर करके नहीं रखना चाहिए, और मच्छरों को नष्ट करने के लिए तमाम औषधियाँ आती हैं और जलाने के लिए मच्छर वाली अगरबत्तियाँ आती हैं, इन सब का उपयोग करने से मच्छर से बच सकते हैं और मलेरिया रोग से भी बचा जा सकता है। आज के वीडियो में इतना, अगले वीडियो में फिर हम आपसे जुड़ते हैं।